तो कम से कम उन लोगों की श्रद्धांजलि आज कुछ मिली है, बस मेरा यही कहना है। मतलब जो हम चिल्ला रहे थे कि उनका इनकाउंटर किया जाए, तो मेरे हाथ में नहीं था, मेरा कहना था। लेकिन मैं इस समय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पुलिस विभाग के ऊपर, जो कि उन लोगों ने मुख्यमंत्री का आदेश था, जो यहाँ के मुख्यालय जितने पुलिस प्रशासन के हैं, उन्होंने अपना फर्ज अदा किया, जो उनको करना चाहिए उन्होंने अच्छा न्याय किया। इसके आगे अब जो भी हुआ है वो कानूनी तौर से फैसला हुआ है, आगे जो हैं उनके लिए भी जो प्रशासन सोच रही है या इतनी दिन से भाग दौड़ मचा रही है, पुलिस विभाग छटपटा रही है, तो उनको जो करना है वो अपने लाइन से अपने हाथों द्वारा करेंगे। हमें मुख्यमंत्री जी के ऊपर पूरा भरोसा था और आज भी भरोसा है कि वो हमको अच्छा फैसला देंगे और फैसला के बाद हमारे आत्माओं को संतुष्टि। ठीक है, आपके घर के सामने असद और गुलाम जिस तरीके से गोली चला रहे थे, आज पुलिस के हत्थे चढ़े इनकाउंटर हो गया, क्या लगता है इंसाफ की पहली सीढ़ी मिल गई है? देखिए, वो तो हम कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर और पुलिस विभाग के ऊपर हमको पहले से भरोसा था, अब वो भरोसा आज मुझको दिखाई दिया, मेरे बेटे के दो हत्यारे मारे गए। आगे आप क्या चाहते हैं, किसका इनकाउंटर देखना चाहते हैं? देखिए बेटा, यही है कि जो भी आज पुलिस प्रशासन ने किया है और ऊपर मुख्यमंत्री जी का आदेश था, बस इसी तरह ये करते रहे, हमारे आत्मा को संतुष्ट। माता जी, अतीक को लेकर क्या चाहती हैं? अतीक और जो अशरद है उसको लेकर क्या चाहती हैं? देखिए, अभी हमने कोर्ट का सुना है, उसको जो है तो पुलिस रिमांड पे ली है, अब जब रिमांड पे ले चुकी है तो जितना होगा अपने कानूनी कार्रवाई से उनसे पूछताछ करेंगे, उसके बाद वो जो बयान देगा अगर कसूरमंद होंगे तो उनको अदालत सजा देगी, अगर कानूनमंद नहीं होगा तो बरी रहेंगे। तो माता जी, आपको लगता है एनकाउंटर जो है वो उमेश जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी? बेटा, जिसने मेरे बेटे को खरेआम गोली यहाँ से मारी है और हम लोग देख रहे हैं, जो पीछे गनर बैठा गाड़ी से उतर नहीं पाया, उसको इसने राइफल से मारा था, तो कम से कम उन लोगों की श्रद्धांजलि आज कुछ मिली है, बस मेरा यही कहना है।